केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये घटना गुरुवार शाम 5 बजे की है, जब महेश शर्मा अपनी बहन से मिलने कार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे, जहां सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड ने उनसे फ्लैट का नंबर पूछा। इसमें तकरीबन 2 मिनट का समय लगा और मंत्री जी की गाड़ी एंट्री पॉइंट पर रुकी रही। इतने में मंत्री के काफिले के साथ चल रही नीली बत्ती की कार में बैठे सुरक्षा कर्मी का पारा चढ़ गया और उसने गाड़ी से उतर कर ना आव देखा ना ताव और गार्ड को पीटना शुरू कर दिया। ये सारी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद महेश शर्मा ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया है और कहा है कि बिना कुछ जाने सुने मैंने सबसे पहले सोसाइटी के गार्ड से माफी मांगी और साथ ही साथ RWA के अध्यक्ष से भी माफी मांगी है। मैंने उस गार्ड को सस्पेंड कर दिया है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जाँच कर रही है। बेहद ही शर्मनाक घटना। जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही सरेआम लोगों की पिटाई कर रहे हैं। सिर्फ माफी से इस बात को आसानी से नहीं टाला जा सकता। देखते रहिए DB Live।